अरे जनक, अब आ गई हो और तुम्हें मेहंदी लगाना भी आता है, तो थोड़ी हेल्प कर दो, जल्दी हो जाएगा। हाँ, अगर जनक इतनी अच्छी मेहंदी लगाती है तो मेरी मेहंदी भी जनक ही लगा देगी। अनीप, तुम्हारा क्या कहना है, जनक मुझे मेहंदी लगा दे? थोड़ा सा कश्मीरी टच भी दे देगी ये, है ना? जी, कश्मीरी टच का पता नहीं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ हाँ, जब जनक इतनी अच्छी मेहंदी लगाती है तो हाथों पे ये लगा रही है और पैरों पे जनक लगा देगी। आज से तुम्हारे साथ एक नई गेम की शुरुआत होगी जनक। अब तक मेरी फैमिली ने तुम्हारी इंसल्ट की, लेकिन अब मैं करूंगा। मैं कल की रात भूला नहीं। अब कैसा लग रहा है? अब समझ में आएगा तुम्हें कि मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूं। हर्षी, मुझे कुछ कहना है तुमसे। जीजू, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, मतलब हम सबके सामने शुरू हो गए, क्या बात है, इंतजार ही हो रहा क्या? अनीप, जो बोलना है सबके सामने बोल भाई, या फिर अकेले रूम में जाके बात कर ले। ऐसे सबके सामने हक कर रहा है, कोई सीक्रेट है हमें ही बताना। दादा, अब तो ऑफिशियली हक है ना मेरा। अरे वाह, लग गई मेहंदी। ये जनक ने लगाई है मेहंदी? जनक, तुम तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो। एक्चुअली तुम्हें ना पार्लर में काम करना चाहिए था, अपना नाम बहुत बड़ा करती तुम। बेकार में ये डांसर बनने चली हो। अच्छा अनी, तुम कुछ बोल रहे थे ना? हाँ शी, मैं बोल तो रहा था, लेकिन देखो ना, सब मजाक उड़ा रहे हैं, टांग खींच रहे मेरी। अच्छा, अरे अनी, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए? नहीं, बस हम हनीमून की बातें कर रहे थे। अरे तो इसमें छुपाने वाली बात कौन सी है? शादी कर रहे हो तो हनीमून के लिए तो 100% जाओगे ना? और कहाँ जा रहे हो ये भी हमें पता है, गेस भी करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? आपने ये एक्साइटमेंट में बताया था गलती से कि आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो, है ना? सर जी, तो मुझे नोटिस तक नहीं करते। अच्छा ही है, अब वो सही दिशा में चल पड़े हैं। जिससे शादी होने वाली है उसे प्यार करते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। मैं भी तो यही चाहती थी, लेकिन फिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।